Hello, everyone. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. I am I'm, I'm audible and visible you all properly. Anamika, Prashant, Asha, Saroj. Very good evening, everyone. Please do let me know. I am audible and visible you all properly. सो good evening, good evening, good evening. Yes. Okay. So, आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज डिस्कशंस राइट सो दैट कि आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रहें जैसे मैंने आपसे लास्ट सेशन में कहा था कि हम ग्रामर फाउंडेशन सीरीज शुरू कर रहे हैं और यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रेलिवेंट हैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनकी यहां पे चर्चा करेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो so दैट की आपकी क्लैरिटी यहां पे होती रहे तो हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडिफायर्स से राइट right? मॉडिफायर्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम और जब मैं मॉडिफायर्स कह रहा हूं तो मैं दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं यहाँ पे पहला है आपके पास एडजेक्टिव और दूसरा है एडवर्ब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यही दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके पास बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने का या डिस्क्राइब करने का काम होता है अब एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फर्क है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है बिकॉज एक ही जो शब्द है वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और वो एडवर्ब का भी काम कर सकता है एक वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है वो एडवर्ब का भी काम कर सकता है आइए थोड़ी सी पड़ताल करते हैं आप मुझे सही सही बता पाए यहां पे आई एम गोइंग टू राइट टू सेंटेंसेस और आज की क्लास में मैं आपको बता दूं ये करने वाले हैं हम टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव करने वाले हैं बट थोड़ा सा बेसिक्स को एक बार ब्रश अप कर लेते हैं इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक यू आर इंटेलिजेंट इनफ यू आर इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड this this is the first sentence and the second sentence is you have enough intelligence you have enough intelligence to understand this if i ask you this very simple question that what is the grammatical profile of the enough in the first sentence And what is the grammatical profile of the enough in the second sentence? In both the sentences I have used the word enough. In one sentence the word is acting as an adjective and in second one that is acting as an adverb. अब आपको ये बताने कि किसमें ये adjective का काम कर रहा है, किसमें ये adverb का काम कर रहा है? बताओ मुझे आप. First में adjective है या adverb है या second में adjective है या adverb है? Do let me know. आज अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप बिल्कुल कर लें यहां पे और बहुत ही पुराना क्वेश्चन टाइप है ये चलिए अब मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं सो so, फर्स्ट में एडवर्ब है सेकंड में एडजेक्टिव है सेकंड में एडजेक्टिव है ओके okay? सो so, इधर उधर जा रहे हैं आप देखो इनको जरा पहचानने का काम कर लो अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो सीरीज शुरू होती है नाउन प्रोनाउन फिर आती है बात एडजेक्टिव की फिर वर्ब है और फिर आपके पास एडवर्ब है मोटे तौर पे ये दिमाग में रखो आप कि भाई नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी किसकी है एडजेक्टिव की है सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन एज सिंपल एज दैट एंड वॉट इज एन एडव एडवॉब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब कॉमा एंड एडजेक्टिव आर एनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस सो एडव ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब करता है उन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी किसकी है एडवॉप की है नाउ लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड इंटेलिजेंट वर्ड इज वॉट वॉट इज द द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ वर्ड इंटेलिजेंट वेरी सिंपल इट्स एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव है आपका विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की यू इज द प्रोनाउन यू को डिस्क्राइब कर रहा है सो दिस इज एडजेक्टिव एंड जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं एडवॉब तो यहां पे जो एनफ है ये का, का काम कर रहा है और दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री कि वो उतना समझदार तो है ही कि इसको समझ सकता है नाउ यू हैव एनफ इंटेलिजेंस इन द सेकेंड सेंटेंस वॉट यू फाइंड दिस वर्ड इंटेलिजेंस इज वॉट दिस इज एब्रैक्ट नाउन राइट एंड वॉट एवर कम्स बिफोर नाउन एंड क्वालिफाइज दैट आर मॉडिफाइज दैट आर डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड वॉट एडजेक्टिव सो सेकंड सेंटेंस में एनफ इज इज इट एडजेक्टिव एंड वॉट काइंड ऑफ दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी this is adjective of quantity because intelligence is abstract noun you can't give a number to this आप इसको कोई नंबर नहीं दे सकते Uncountable है ये तो कहने का क्या मतलब है कि एक ही शब्द जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए बिकॉज़ कई बार हम कुछ परसेप्शन बना लेते हैं कि एडवर्ब्स आर मेड जस्ट बाय एडिंग एलवाई विद एन एडजेक्टिव क्लेवर एडजेक्टिव है तो उसमें एलवाई ऐड uh, कर लिया क्लेवरली दैट बिकम्स एडवर्ब नो इट्स नॉट ट्रू ऑल द टाइम इंग्लिश में भाई ग्रामर में खास तौर से आप देखोगे हर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन मौजूद है तो कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे करके आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो हर जगह पे एप्लीकेबल है एलवाई लगा के एडव बनाते हैं हम डेफिनेटली एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दो आप सफिक्स के तौर दैट बिकम्स बट वी हैव लॉट ऑफ एडजेक्टिव जहां पर एलवाई लगता है लाइक यू से मंथली वीकली सो वीकली न्यूजपेपर मंथली मैगजीन तो यहां पे एलवाई इज वॉट दैट इज एडजेक्टिव राइट right? या आप अपने वीकली टेस्ट की बात करते हो या आरबीआई की बाई मंथली पॉलिसीज हैं इन ऑल दीज केसेस या हम कहते हैं वॉट एन लवली पर्सन ही इज लवली इज इज दैट नॉट तो कभी भी इन चीजों को रट के नहीं बैठना दिमाग में हमें राइट right? तो so, पहली बात तो आपको यह समझ में आ गई कि एक ही शब्द जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड ग्रामर इज ऑल अबाउट टू थिंग्स टू फैक्टर्स इट्स अबाउट द वर्ड प्लेसमेंट कि आप शब्द को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं एंड सिलेक्शन वर्ड को चूज कर पा रहे हैं सही शब्द को सेलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो ये तो बात हो गई एडजेक्टिव और एडवर्ब के डेफिनेशन की थोड़ी सी अब हम जब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं तो एडजेक्टिव में जो सबसे बेसिक सी बात है वो क्या है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिग्री ऑफ एड्जेक्टिव पॉजिटिव कम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव सो ये तीन डिग्रीज का क्या मतलब है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन एंटिटी एक इंसान एक सामान कोई भी इसीलिए मैंने एंटिटी शब्द का इस्तेमाल किया यू यूज पॉजिटिव डिग्री बटन यू हैं और दो से जब ज्यादा हो दो से ज्यादा हो मोर देन टू हो और उनमें से आपको किसी एक को बेहतर बताना है तो वहां आप सुपरलेटिव लगाते हैं दिस इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ एबजेक्टिव राइट सो so, uh, इस बात की समझ रखनी है और सारी कॉन्सेप्ट इसी के आसपास घूमते हैं अब विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द विदेश जहां पे हम आज एडजेक्टिव के टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले अच्छा एक छोटी सी बात और उसके पहले कई बार ये कंफ्यूजन होती है वो मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं uh, अगर मान लीजिए हमने एक मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा कि शी इज ब्यूटिफुल शी इज ब्यूटिफुल एंड द सेकेंड वन इज शी इज द ब्यूटिफुल लेडी उट ऑफ दीज टू सेंटेंस दर्ड ब्यूटिफुलर आंसर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं दोनों में से कौन से ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है पहले में दूसरे में या कुछ और जवाब आपको लग रहा है वॉट डू यू से सचिन यादव इंग्लिश बहुत वीक है सर बिल्कुल बिल्कुल बैच आ चुका है बैंकिंग का डोंट वरी मैं बैच के बारे में डिटेल्स बाद में दूंगा आपको पहले साथ में यहां ध्यान देते चलो देखिए एक ऐसी गलती जो हम कॉमनली करते हैं यहां पे खुशी का आंसर रेक्स्टर का आंसर गलत है काफी लोग सही है बेसिक सी बात है ध्यान रखो देखो, देखो डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन सो इफ वी लुक एट दीज टू सेंटें दोनों पे अगर हम निगाह डालते हैं तो पहले सेंटेंस में वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है शी शी को को कर रहा है इज प्रोनाउन प्रोनाउन जो डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है तो यहां ये यह बिल्कुल एडजेक्टिव है और इसे हम कहते हैं किस तरह का एडजेक्टिव दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ध्यान रखें आप प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव तो जब भी आप एडजेक्टिव से सेंटेंस का एंड करते हो जैसे मैं, मैंने मैंने अगर ये कहा कि दिस बोर्ड इज वाइट

Uh, हमेशा एडजेक्टिव तभी होगा जब वो नाउन से पहले आएगा तो उसके अपने कारण हैं मैं उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं जाने वाला अभी यहां पर uh, उसके कारण यही है कि एडजेक्टिव के जितने टाइप्स हैं उनमें सिर्फ एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल होता है यानी प्रेडिकेटिवली भी और एट्रीब्यूटिवली भी बाकी एडजेक्टिव के जितने भी टाइप है चाहे एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी की बात करो नंबर की बात करो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये सब के सब जो हैं या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इम्फेटिक एडजेक्टिव वो सब नाउन के पहले ही आते हैं तो कहीं डीप डाउन सब कॉन्सियस में हमारे ये बैठा रहता है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आता है तो बट ये गलतफहमी आपके दूर हो गई आइए अब इतनी जानकारी के साथ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला सवाल आपके सामने है और इस सवाल के साथ इस क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे क्वेश्चन इज एट द प्राइम ऑफ एसी योर आइडियाज साउंड रीजनेबली एंड आई थिंक इट मे वर्क इन दिस सिनेरियो ज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट और अगर इनकरेक्ट है तो आप इसको कैसे करेक्ट करोगे और क्यों करोगे यू हैव थर्टी सेकेंड्स फॉर दिस एंड देन विल हैव द डिस्कशन टाइमर भी आपके लिए लगा देता हूं आंसर करें फटाफट रियांस कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो रहे हैं यहां पे। ये शुरू किया है ग्रामर फाउंडेशन जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट वो सब रिवाइज हो जाएंगे चलिए योर टाइम इज अप। योर टाइम इज अप कितने लोगों को पता चल गया कि कहां पे एरर है या नहीं है या लग रहा है नहीं सर हम बड़े अहिंसक लोग हैं हमें तो सेंटेंस बिल्कुल सही नजर आता है प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर वर्ड में है यहां पे रीजनेबली लिखा है जो कि गलत है यहां पे होना चाहिए रीजनेबल अब सवाल यह है कि रीजनेबल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो दिस वर्ड इज वॉट इट्स एडजेक्टिव और रीजनेबली है तो ये एडवर्ब है अब फिर आपका ज्ञान ये कहेगा कि साउंड जो शब्द है यहां पे दैट इज वर्ब और वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है एड वर्ब तो हमें पहली नजर में ये लग सकता है कि correct, बहुत ही प्यारा है ये, नाम से पता लग रहा है वो वर्ब जो किसी का स्टेट बताएं कि वो किस कंडीशन में है किस अवस्था में है किस हालात में है तो स्टेटिव वर्ब्स की कुछ खास बातें होती है और ये कई सारे चैप्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है ये टेंस के साथ जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ आपको दिख ही रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं टेंसेस के साथ वॉब है ही है ये डेफिनेटली सो वॉब टेंस एडजेक्टिव एडवर्ब एक तरह से चार चैप्टर के साथ ये टॉपिक संबंधित है अब स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं इनको कौन डिस्क्राइब करता है इनको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि स्टेटिव वॉब्स आर डिस्क्राइब्ड आर मॉडिफाइड बाई What adjective? ये concept आपको इस क्वेश्चन से मिला ठीक है अब यह स्टेटिव वर्ब कहा से आयाउंड जो शब्द है ना यह स्टेटिव वर्ब है आपके स्टेटिव वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है सेंस परसेप्शन वाले वर्ब सेंस परसेप्शन वाले वर्ब जो है राइट right? या मेंटल एक्टिविटी वाले जो वर्ब है इनके साथ आपको ध्यान इनको भी हम स्टेटिव बोलते हैं मेंटल एक्टिविटी ठीक है इमोशन फीलिंग एक्सप्रेशन वाले जो वर्ब्स हैं आपके और क्या आ जाता है वर्ब ऑफ पजेशन यानी वो वर्ब्स जो किसी चीज के ऊपर आपकी मालकियत दिखाते हैं उन सभी के साथ ये बातें एप्लीकेबल है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब देखिए साउंड जो है वो हमारा सेंस परसेप्शन है आया ना सबके सुनने की क्षमता अलग अलग हो सकती है इस कैटेगरी में और क्या आ सकता है स्मेल आ सकता है ठीक है स्मेल आ सकता है टेस्ट आपको एग्जाम में मिल सकता है इस तरह के वर्ब मिल सकते हैं तो अब ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड हैं अब जैसे मान लो इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं कि दिस फूड टेस्ट टेस्ट डिलीसियस delicious या डिलीसियसली किसके साथ जाने वाले हो यहां पे? किसके साथ जाने वाले हैं डिलीसियसली या डिलीसियस तो आपको समझ आ गया अभी पीछे ही मैंने बताया कि टेस्ट जो है यहां पे अगेन स्टेटिव वर्ब है आप किसी खाने को लेकर के अपनी उसका स्टेट बता रहे हैं और वो किसके द्वारा डिस्क्राइब होगा वो एक एडजेक्टिव के द्वारा डिस्क्राइब होगा वो यहां पे सही है यहां पे ये गलत है तो मैंने जो थोड़ी देर पहले बात कही थी कि आंख बंद करके चीजों को नहीं रट लेना है कि नहीं वर्ब को तो एडवर्ब करता है ये जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं इनको कौन डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा ऐसे ही अगर आप सेंटेंस इस तरह का लिखो कि दिस फ्लावर दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट दिस फ्लावर स्मेल स्वीट This is the sentence. Second one. I am smelling this flower. अब मुझे बताओ आप क्या ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं इसमें दोनों सही हैं या इसमें से कोई एक गलत है या दोनों गलत हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब स्मेल को भी हमने उसी में रखा है सेंस परसेप्शन वाले वर्ब में भाई आप किसी चीज को स्मेल करके जो राय रखते हैं वो आपकी अपनी राय है ना जैसे वही खाना किसी को तीखा लगता है किसी को ठीक ठीक, ठीक लगता है एक ही घर में कोई तीखा खा रहा होता है को, आ, कोई नॉर्मल खाता है किसी को कम मिर्च चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए तो आप किसी खाने के बारे में अगर चार लोग चार अलग अलग राय रख रहे हैं तो वो उनका परसेप्शन है वो उनका प्रोजेक्शन है वो रियलिटी नहीं है और इसीलिए आप

अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसके इनडेफिनिट वेरिएंट में आप इसको लिखते हो इनडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं स्टेटिव वर्ब्स के साथ यानी आप यहां पे आईएनजी वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते अब यहां पे आईएनजी वाला इस्तेमाल दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे कि नहीं जो स्मेल के साथ तो हमें इनडेफिनिट में बात करनी है इसमें हम आई नहीं लगा सकते नहीं यहां लगाना बिल्कुल जायज़ है अब फर्क समझ लीजिए इसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप फूलों की क्यारियों के बगल से गुज़र रहे हैं और आपको महक आई और आपने उसका स्टेट बता दिया कि फूल अच्छे महक रहे हैं हिंदी बोलने में आप रहे हैं बोल रहे होगे इसीलिए वो ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है हिंदी अंग्रेजी की सीधी शादी करने की कोशिश मत किया करो आप सो वो हो गया स्टेटिव वर्ब लेकिन वहीं पे आप जब एक फूल को तोड़ करके अपने नाक के पास ला करके सूंघने की कोशिश कर रहे हो तो अब वो स्टेटिव वर्ब नहीं है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब यानी उस समय वो एक्शन चल रहा है वो एक्शन चल रहा है और जब वो कॉन्टिन्यूटी में है तो आप कॉन्टिन्यूस बिल्कुल लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी जैसे हमने टेस्ट का एग्जाम्पल लिया तो आप कोई खाना खा रहे हो उसके बारे में अपनी राय रख रहे हो खाने का स्टेट बता रहे हो कि आपके हिसाब से खाना कैसा है तो वहां पे तो आपने एडजेक्टिव लगा लिया लेकिन मान लीजिए प्रोफेशनल तौर पे आप एक कॉफी टेस्टर हैं राइट या आप केक टेस्ट करते हैं या जैसे वाइन टेस्टर होते हैं यानी आपका प्रोफेशन ही है कि, कि किसी खास चीज को खा करके उसका टेस्ट बताना तो मान लो आप एक खास समय कोई कॉफी uh, जो है वो सिप कर रहे हो और सिप करके उसका टेस्ट बता रहे हो सो एट दैट मोमेंट यूजिंग आई विद विथ टेस्ट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इज एब्सोल्युटली करेक्ट देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल सो दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश आर ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल दैट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट कि आप उसको कहां पे यूज कर रहे हो और कैसे यूज कर रहे हो सो so, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन जो होगा वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा मेंटल एक्टिविटी की बात करिए अपने आप में बड़ा टॉपिक है मतलब चालीस मिनट तो सिर्फ इसी में लग जाएगा तो बाकियों के बारे में कभी बात में बात कर लेंगे बस इतना ध्यान रखिए मेंटल एक्टिविटी में किस तरह के वो वर्ड यहां पे आ जाएंगे जैसे अज्यूम है आपके पास अज्यूम है प्रिज्यूम है कंसिडर है थिंक है ये सब मेंटल एक्टिविटी के वर्ब हैं तो टिपिकली इनको भी हम कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते इंडेफिनेट में यूज करते हैं ठीक है इनको हम इनडेफिनेट वैसे ही आप इधर देख लो तो भाई लव है लाइक है हेट है विश है इनको भी हम इन जनरल इन जनरल मैं बार बार ग्रामर में इन जनरल बोलता हूं इसीलिए बिकॉज दूसरा मॉडल भी पॉसिबल है इन जनरल वी यूज वॉट इनडेफिनेट आई लव यू नॉट आई एम लविंग यू आई लव यू आई हेट यू आई लाइक यू आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे राइट सो इसमें पॉइंट यही है कि जो आपका

जहां निश्चितता नहीं है वहां अनिश्चितता वाला वेरिएंट लगाना यानी इंडेफिनेट लगाना है और ये कारण है कि आप अब जैसे देखो थिंक का जैसे उदाहरण लेते हैं यहां पे थिंक का एग्जांपल लेते हैं मेंटल एक्टिविटी में आया है अब आप दो तरीके से यूज करते हो अब सपोज आपके दोस्त की शादी है और आप उसके साथ शॉपिंग के लिए गए और वो अपनी शेरवानी ट्राई कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि यार तुम्हें कैसा लग रहा है ये ठीक है मेरे पे जंच रहा है आई थिंक ठीक ठीक सा है कुछ और भी ट्राई कर सकते हो तो वहां पे आपने आई थिंक बोला वहां पे तो उधर तो हम क्या लगा सकते हैं इनडेफिनेट लगाएंगे क्योंकि वहां पे अगेन आप अपनी राय रख रहे हैं वहां पे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जस्ट ऐसा नहीं कि लिटरली आप बैठ करके किसी चीज के बारे में बड़ी गहराई से चिंतन मनन कर रहे हो यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग ओवर समथिंग यू आर पॉन्ड्रिंग ओवर समथिंग नो इट्स नॉट यू आर जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड योर ओपिनियन लेकिन वहीं पे सपोज यू हैव अ प्रोजेक्ट और कल उस प्रोजेक्ट का सबमिशन है और आप पूरी रात उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप सोच में डूबे हैं यू आर डूइंग ब्रेन स्टॉर्मिंग कमरा बंद करके काम कर रहे हो दिमाग चल रहा है तुम्हारा लगातार सोच रहे हो तो वहां पे आप थिंकिंग लगा सकते हो तो कोई ये कहे अगर आपको नहीं इनमें आई नहीं लगता है रूल रट के बैठ गए इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं मेरे साथ ना तो आप ग्रामर के रूल रटोगे ना वो कैब कुछ रटोगे ना कॉम्प्रशन हर चीज का एक साइंटिफिक अप्रोच समझने की कोशिश करोगे अगर आपने ये रट लिया कि नहीं इन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता ये डेंजरस बात है लगता है कब लगता है कहां लगता है ये पता होना बहुत जरूरी है अब जैसे यहीं पर हम बात कर रहे हैं इमोशन फीलिंग्स की तो यहां हम लगा सकते हैं आई बट द मोमेंट यू पुट आई एन जी विदीज वर्ब मीन्स वॉट कुछ समय वो एक्शन हो रहा है अगर आप किसी से कह रहे हैं आई लव यू फीलिंग so, आप अपना जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहे हो मैं तुमको प्यार करता हूं बट द मोमेंट यू से आई एम लविंग यू नाउ इॉट जस्ट लिमिटेड इमोशन एंडिंग नाउ यू गॉट इन टू समिजिकल एक्टिविटी दैट काइंड ऑफ मीनिंग इट पुट्स फॉरवर्ड सो इतना डिफरेंस आ जाता है एक आई एनजी लगा देने से या जो मैग्डी का पंच लाइन है आई एम लविंग इट आई एम लविंग इट इज नॉट लाइक यू आर रियली लविंग दैट बर्गर या वहां पे वो लाइक like वाला सेंस आ गया तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इन वर्ड्स में आईएनजी लगाते हो ना तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है उस मतलब के लिए अगर आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आईएनजी लगाना बिल्कुल जायज है लेकिन अगर वो मतलब नहीं है तो आप नहीं लगा सकते जैसे यहां पर वो सब पजिशन की हम बात करें हैव का मतलब रखना होता है हैव है ओन है पजेज है राइट बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं लेकिन मैं सभी से एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूं अब जैसे हैव की बात है आप कहो कि आई एम हैविंग माई लंच आई एम हैविंग माई डिनर आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट इट इज एब्सिल्यूटली फाइन यहां पे कोई आपको दिमाग में रटाए कि नहीं हैव में नहीं लगता है मैंने पढ़ा था वो गलत बात है कब नहीं लगता रखने के लिए नहीं लगता है अगर आप ये कह रहे हो कि आई एम हैविंग माई लंच बॉक्स इन माई बैग दैट इज इनकरेक्ट वहां पर आपको कहना पड़ेगा आई हैव माई लंच बॉक्स इन माई बैग दिस इज करेक्ट बट इफ यू आर आई एम हैविंग माई लंच मीन्स वॉट यू आर ईटिंग योर लंच तो अगर आप खाना खा रहे हो और उसके लिए हैविंग लगा रहे हो तो वहां पे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है आप आई लगा सकते हैं राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डू रिमेंबर दिस और यहां पे हमें बात क्या समझ आई एडजेक्टिव एडवर्ब के हवाले से कि स्टेटिव वर्ब्स आर क्वालिफाइड बाय व्हाट एडजेक्टिव्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव इस अगो ही यूज टू बी अ अर मैन बट नाउ ही हैज बिकम अ जेनरस पर्सन यस आई थिंक फिफ्टीन सेकेंड्स आर मोर देन enough. इससे भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं चलिए टाइम इज अप यहां पे इस वर्ड में प्रॉब्लम है कर रहे हैं आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा की थी कि हम कभी ये रट के ना बैठे कि भाई लगा के एडवो बनता है है हमेशा ये एडजेक्टिव तो इस बात का आप ध्यान रखें ऐसे बड़े सारे शब्द निकल के आते हैं जैसे अभी हमने बात करी थी यू हैव माइजरली नो यू हैव लवली वीकली मंथली राइट स्कॉलरली, ऑल दीज वर्ड्स आर वॉट बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ये सारे के सारे शब्द क्या हैं ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव तो आपको जब एडजेक्टिव की जरूरत है तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे ही स्कॉलरली पर्सन राइट और फिर एक मन में सवाल ये पैदा होता है कि जब हम एलवाई लगा कि इन के इन वर्ड्स को एड्जेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं आई एम सपोज टू यूज दीज वर्ड्स एज एन एडव देन कैसे मैं करूंगा तो कैसे करोगे आप अब जैसे आपने सिंपल सा सेंटेंस बोला कि भाई ही इज अ माइज़र ही इज अ माइज़र देन ही इज अ माइज़रली पर्सन ही इज अ माइजरली पर्सन एंड ही कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ माइजरली मैनर राइट सो आपको ये एडवर्बियल फ्रेज यूज करना पड़ेगा जब आप इसको एडवर्ब के तौर पर यूज करना चाहते हैं सो इन माइजरली मैनर और इन अ माइजरली फैशन इस तरह का एडवर्बियल फ्रेज आपको बिकॉज फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड तो यहां पर एक शब्द एडवर्ब का काम नहीं कर रहा यह चार शब्दों का समूह एडव का काम कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप दिस माइजर इज नाउंड राइट दिस इज एडेक्टिव एंड दिस पोर्शन इज वॉर्ड दिस इज एड वो तो ऐसे बहुत सारे शब्द एग्जाम में आते हैं इनका ध्यान रखेंगे आप तो पहले कंजूज था बट नाउ ही हैज बिकम अ जेनरस पर्सन मग्नेनिमस देर इज अ वर्ड मग्नेनिमस मैगनारूट वर्ड बड़े दिल वाला नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यू डेरोगेटरी कमेंट यू मेड ऑन हिम हैव डिस्टर्ब हिम अलॉट सो यू मस्ट अपॉलोजाइज हिम फॉर दिस बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यहां पे दिक्कत आती है इसमें आपके पास लिटिल है और फ्यू है कई बार हम इसमें डिफरेंसिएट नहीं कर पाते उसके बाद अगली समस्या पैदा होती है लिटिल और अ लिटिल में क्या फर्क है एंड देन यू हैव द लिटिल राइट हेयर यू हैव अ फ्यू एंड द फ्यू वॉट्स द डिफरेंस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू इज वॉट लिटिल का इस्तेमाल आप करते हो अनकाउंटेबल नाउन के पहले और फ्यू का इस्तेमाल करते हो काउंटेबल नाउन से पहले ये आपका पहला डिफरेंस लिटिल और फ्यू के बीच में हो गया सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज वॉट लिटिल एंड फ्यू आर यूज इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट यानी कोई चीज अगर ना के बराबर है नहीं है तो आप वहां लिटिल लगाते हो क्वांटिटी के लिए और फ्यू लगाते हो नंबर के लिए अगर वो चीज थोड़ी सी है तो आप वहां पे अ लिटिल लगाओगे क्वांटिटी के लिए और अफ यू लगाओगे नंबर के लिए और फिर आ जाती है बात द लिटिल की जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहां पे जवाब सही नहीं आया है सुचित्रा ने कोशिश करी है सपना ने कोशिश करी है और भी लोग कोशिश करेंगे क्या प्लीज वट इज द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस एंड हाउ विल यू करेक्ट इट एनी सो फार आई हैव गॉट एनी करेक्ट ऑप्शन हियर ड दिस द वर्ड बिफोर दिस फ्यू यानी यहां पर हमें द फ्यू का इस्तेमाल करना था ना कि फ्यू का इस्तेमाल करना था एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इस uh, मैं एग्जाम्पल के साथ बात कर लेता हूं आपके जैसे मान लीजिए आपके पास uh, ना के बराबर पैसा है जेब खाली है आपकी तो आप क्या कहोगे आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट यू डू नॉट हैव एनी मनी ना के बराबर ऑलमोस्ट नथिंग और मनी इज वॉट अगर मैं आपसे पूछू मनी इज काउंटेबल मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल मनी इज अनकाउंटेबल नाउन देखो जब भी मन में ये सवाल पैदा हो कि कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है चुपचाप उसके पहले कोई नंबर लगा के देख लो अगर अंतरात्मा की आवाज आ रही है वैसे अंतरात्मा की आवाज कई बार अंग्रेजी में धोखा दी जाती है अंतरात्मा की आवाज आ रही है जी नंबर लगाना ठीक ठीक है तो आप उसको काउंटेबल बोल दीजिए तो क्या आप ये बोलते हो क्या आई हैव फाइव मनी आई हैव टेन मनी आई हैव सेवनटीन मनी नो आप ऐसा कभी भी नहीं बोलते तो मनी इज अनकाउंटेबल बट करेंसी इज काउंटेबल राइट यू कैन काउंट रूपीज डॉलर स्पैन राइट करेंसी को काउंट कर सकते हैं आप ये कह सकते हो आई हैव फिफ्टी रूपीज हंड्रेड रूपीज बट यू कांट से आई हैव फिफ्टी मनी यू नो सो मनी इज अनकाउंटेबल एंड इफ मनी इज अनकाउंटेबल आउट ऑफ लिटिल और फ्यू हम क्या यूज करने वाले वी हैव टू यूज लिटिल लिटिल बिकॉज़ मनी मतलब मेरे के पास ना के बराबर पैसा है. फिर आपने कहा आई हैव इसका क्या मतलब है मेरे पास थोड़ा पैसा है और फिर आपने कहा द लिटिल मनी आई हैड कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया द लिटिल मनी आई हैड दिस इज नाउन क्लॉज एक्टिंग एज एन सब्जेक्ट और उसके लिए फिर ये आ गया हैज बीन जो कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया तो ये मतलब होता है द लिटिल का जो कुछ थोड़ा ऐसे अगर आपको वर्नैकुलर हिंदी में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो कुछ थोड़ा तो यहां जो कुछ थोड़ा हो गया क्वांटिटी में और यहां जो कुछ हो गया नंबर के लिए सो so, मैंने मनी का एग्जाम्पल यहां पर ले लिया अब फ्यू के लिए कुछ काउंटेबल ले लो आप मान लो बुक्स ले लिया आपने सो so अगर आप ये कह रहे हो कि आई हैव फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश इंग्लिसरी इसका क्या मतलब है कि आपके पास इंग्लिश वोबलरी के ऊपर ना के बराबर किताबें हैं फिर आपने कहा आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश वोकैबलरी सो हियर इट इज मेरे पास कुछ किताबें हैं और फिर वो कुछ कितनी है ये पता नहीं लगता तो आप क्या कह सकते हो आप कि द फ्यू बुक्स आई हैड ऑन इंग्लिश हैज गिवन टू माई यंगर ब्रदर यानी जो कुछ थोड़ी किताबें थी मेरे पास वो कैब की वो सब मैंने अपने छोटे भाई को दे दी सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग फ्यू ऑफ यू द फ्यू एंड लिटिल अ लिटिल द लिटिल जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे यू हैव टू रीड द सेंटेंस यू हैव टू गेट द कॉन्टेक्स्ट ट्राई टू फिगर इट आउट दैट वट काइंड ऑफ कॉन्टेक्सट इज देयर वहां ना के बराबर बात हो रही है थोड़ी बात हो रही है अब जैसे यहां पे सेंटेंस पढ़ के साफ समझ आ रहा है कि जो कुछ नीचा दिखाने वाले कॉमेंट्स तुमने उस इंसान के लिए बोले उसने उसको बहुत डिस्टर्ब किया इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए इसके लिए अगेन फ्यू द फ्यू डेरोगेटरी कमेंट्स यू मेड ऑन हिम इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट यहां से लेके यहां तक दिस इज वॉट दिस इज एन सी इट इज नाउन क्लॉज इट इज नाउन क्लॉज बिकॉज इट इज एक्टिंग एज इन सब्जेक्ट राइट ये सब्जेक्ट है और उसके बाद ये देखिए उसके लिए वर्ब आ गया हैव हेल्पिंग वर्ब डिस्टर्ब मेन वर्ब हेम ऑब्जेक्ट तो एक छोटी सी बात ये ध्यान में रखें आप कि द लिटिल और फ्यू का जब भी इस्तेमाल आप करोगे तो बताना पड़ेगा ना कि जो कुछ चाहे थोड़ा जो कुछ थोड़ा नंबर में हो या जो कुछ थोड़ा क्वांटिटी में हो उसके साथ क्या हुआ तो जो कुछ मेरे पास किताबें थी तो मैंने क्या किया वो किसी को दे दी जो कुछ पैसा था वो क्या हो गया लुट गया so

Sentence aapko little or yeah, a little common sense is required in everybody. Little or a little common sense is required in everybody. What will you choose? Little or a little? Yes, tell me. If I give you this sentence, little or a little <laughs> common sense is required in everybody. Yes, what's your call?

आप गलत करेंगे सही करेंगे बात को समझने की कोशिश करो यहां पे कंपैरिजन कब होता है देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस यू नो एप्पल्स विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट ऑरेंजेस ओनली यानी दो सिमिलर चीजों के बीच में ही तो आप कंपैरिजन करेंगे ठीक है ऑरेंज की तुलना ऑरेंज के साथ होगी एप्पल की तुलना एप्पल के साथ होगी ऐसा नहीं कि एप्पल की तुलना ऑरेंज के साथ आप कर रहे हो तो Uh, तुलना हमेशा दो के बीच में होती है ये सर नो अब दो फ्रेंड हैं ए एंड बी तो उसमें आप ये कह सकते हो अब जैसे हमने मान लीजिए कोई फॉर दैट मैटर कोई सेंटेंस कोई नाम हमने ले लिया कि अमन अमन इज वाइजर दैन अमन इज वाइजर दैन अमित राइट अब दिस इज सेंटेंस अमन इज वाइजर दैन अमित सो यू डू नो वी हैव टू एंटिटीज द फर्स्ट वन इज अमन सेकेंड वन इज अमित और आप एक क्वालिटी के बीच में दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और आप यह बता रहे हैं कि अमन जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है अमित के मुकाबले तो यहां पे तो दो एंटिटी थी जिनके बीच में कंपैरिजन है बट इफ यू लुक एट द गिवन सेंटेंस क्वेश्चन नंबर यू फाइंड ओवर हियर वी डू नॉट हैव टू एंटिटीज इन द सेंटेंस यहां दो लोग नहीं है यहां इंसान तो एक ही है भाई लेकिन उस एक इंसान की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन है अब आपके हमारे अंदर बड़ी सारी क्वालिटीज होती हैं अब हम किसी चीज में ज्यादा बेहतर हैं किसी में थोड़े कमतर होते हैं तो यानी दो लोगों के बीच में नहीं इंसान एक है उसकी दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिज़न है और बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है हमेशा दिमाग में रख लीजिए इसका इस कॉन्सेप्ट को कि वेन एवर यू कंपेयर बिटवीन टू क्वालिटीज नॉट बिटवीन टू एंटिटीज तो जिस क्वालिटी को आपको ऊपर रखना है उसके पॉजिटिव डिग्री से पहले आप मोर लगा देते हैं और दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री में ही होता है तो इस सेंटेंस में जो दिक्कत है वो है इस वाइजर को हटाने की यहां पे आप वाइज लगाओगे इन माय ओपिनियन ही इज मोर हैंडसम देन वाइज राइट मोर हैंडसम देन वाइज तो अब मान लो आपको अगर ये बताना था कि वो समझदार ज्यादा है और हैंडसम कम है चेंज कर लेते हैं अब मान लो शी की क्वालिटी हमें बतानी तो हम क्या कह सकते हैं कि शी इज मोर वाइज

एस टी ठीक है सबको पता है बताएसटी e -E लगा करके आप बनाते हैं और एक और कैटेगरी हमारे पास है जहां पे आप जैसे ये beautiful शब्द है तो beautiful is also adjective, right? अब आपको मान लो को B के मुकाबले ज़्यादा तो आप क्या लिखते हो आप वहां लिखते हो मोर ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और अगर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बताना है तो क्या लिखोगे मोस्ट ब्यूटीफुल हमारे पास ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलस जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता गेटिंग माई पॉइंट टाइम तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उनको लग रहा होता है अच्छा हाँ यहाँ मोर लगाना चाहिए हमें क्योंकि ब्यूटीफुलर तो ER वाला नहीं है लेकिन हम वाइज के पहले क्यों मोर लगाएं? तो आपने इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है कंपेरिजन बिटवीन टू क्वालिटी टू एंटिटीज जब दो एंटिटी में नहीं दो क्वालिटीज के बीच में कंपेरिजन हो तो जिस क्वालिटी को ऊपर रखना है जस्ट पुट मोर बिफोर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी आर एडजेटिव और उसके साथ दूसरा वाला भी पॉजिटिव डिग्री में ही रहता है क्लियर हो गई बात चलिए जी वेरी इंपॉर्टेंट वन नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी एक्स एंड मिल्क यू आर गोइंग टू ब्रिंग जी बड़ा बड़ा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन मेनी और मच में क्या डिफरेंस होता है भाई पहली बात तो बड़ी प्यारी बात यह है कि इन दोनों के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेम होते हैं यानी मेनी मोर मोस्ट भी होता है और मच मोर मोस्ट भी होता है मेनी का इस्तेमाल आप किसके पहले करोगे मेनी का इस्तेमाल आप काउंटेबल से पहले करते हो यानी जिसकी गिनती की जा सकती है जो भी नाउन नॉनकाउंटेबल हो उसके पहले मेनी लग जाएगा और जो अनकाउंटेबल है यानी जिसकी गिनती नहीं हो सकती जिसकी आप परिमाण बताते हैं आप मात्रा की बात करते हैं वहां हम मच लगाते हैं जरा इस सेंटेंस में देखें एक्स को आप काउंट कर सकते हो दो चार पांच दर्जन जो भी है तो यहां पे हाउ मेनी लगाना बिल्कुल जस्टिफाइड है लेकिन मिल्क के लिए आपको अलग एडजेक्टिव चाहिए अगर आप नहीं लगाते मिल्क के पहले तो यह माना जाएगा कि आपने यहां पे भी मेनी लगाया हुआ है और मिल्क के पहले मेनी नहीं लग सकता लिक्विड है अनकाउंटेबल होगा तो यहां पे हम क्या बात करेंगे इधर हमें हाउ मच लगाना पड़ेगा तो मच टॉक्स अबाउट क्वान्टिटी मेनी टॉक्स अबाउट नंबर बट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बोथ आर सेम मेनी का भी कंपेरेटिव सुपरलेटिव मोर मोस्ट होता है और मच का भी ये बात यहां पे ध्यान रखनी थी आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन चाइना इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स हांजी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन चाइना इन द नेक्स्ट टेन इयर्स व्हाट डू यू से व्हाट इज द प्रॉब्लम यहां पे वही कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे बात कर रहे थे कि यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस यहां पे आप भारत के जनसंख्या की तुलना चाइना के साथ नहीं करोगे चाइना की जनसंख्या के साथ करोगे तो जनसंख्या वर्सेज जनसंख्या कितने लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं वेरी गुड सपना मोर देन के बाद आप लगा देते हैं दैट ऑफ लेकिन आज जरा इसका मतलब भी समझ लीजिए क्योंकि इन तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है कुछ मामलों में वो देन दो जाफ भी होता है और जरूरी नहीं है कि हर बार ऑफ हो वहां ऑन भी लग सकता है तो क्यों वो दैट ऑफ लगता है उसको जरा समझ लो आप हमने क्या बात करी कि भाई द पॉपुलेशन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की तुलना किससे करोगे आप लिख लेते हैं इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू को हम ग्रामेटिकली विल से रिप्लेस कर सकते हैं इस तीनों शब्द को विल बी मोर इज गोइंग टू बी मोर क्या The population of China, ठीक है बाकी जो कहानी है आगे वो लिखी हुई है अब आपको दिख रहा है कि नहीं अब कंपेरिजन बराबर लेवल पे आया, यानी भारत के जनसंख्या की तुलना द पॉपुलेशन ऑफ चाइना के साथ हो रही है अब बराबरी की बात आई है लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में दिक्कत कहां पे आती है इसको हम कहते हैं रिटेंडेंसी की दिक्कत कि आप जरूरत से ज्यादा एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब अगर आप देखें तो हमने क्या लगाया यहां पे कि के के बाद बाद क्या क्या लगा दो? दैन के बाद दैट लगा दो दो दैट 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 ऑफ ये 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 काम कर 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 रहा 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 है दैट रहा है है किसकी तरफ इशारा इशारा द पॉपुलेशन की तरफ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो पहले मैंशन हो चुके नाउन की तरफ इशारा कर रहा है हमने प्रोनाउन का इजाद इसीलिए किया कि नाउन के बार बार इस्तेमाल से हम बच सकें तो यहां पर ये दैट इज रेफरिंग टू वॉट द पॉपुलेशन एंड दैट इज वाई हम वहां पे क्या लगाते हैं वहां पे दैन के बाद विल बी मोर दैन दैन छूट गया यहां लिखने में दैन के बाद आप क्या लगा देते हो विल बी मोर दैन अब आप खुद ही देख लो दैन के बाद ये दैट लगा दिया और इधर ऑफ लगा है तो वही तो हो गया इधर दैन दैट ऑफ चाइना तो आपको ये समझ आ गया कि दिस दैट इज नथिंग बट वॉट इट्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम दैट इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर नाउन ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द हिंदू इज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज होता है और इस कॉन्सेप्ट के साथ दो या तीन तरीकों से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं हिंदू इज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया अब देखो इन तरह के क्वेश्चन की खास बात है जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ते हैं आपको यह समझ में आता है कि द आइडिया इज सुपरलेटिव आप यही कहना चाहते हो कि हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर अखबार है आप ये कहना चाहते हो यानी आइडिया सुपरलेटिव है आपका बट सुपरलेटिव आइडिया इज बींग प्रेजेंटेड इन अ कंपेरिटिव स्ट्रक्चर बिकॉज हियर दैन इज यूज और जब दैन लग रहा है इसका मतलब देर इज अ कंपेरिजन सो आइडिया तो आपका सुपरलेटिव है बट सुपरलेटिव आइडिया को आप किसके थ्रू व्यक्त कर रहे हैं कंपैरेटिव स्ट्रक्चर के जरिए और जब कंपैरेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी और यहां पे बहुत प्यार से क्या लगा दिया गया मोस्ट और मोस्ट अभी आपने पढ़ा मच मोर मोस्ट मेनी मोर मोस्ट ये क्या है ये आपका है सुपरलेटिव जो कि गलत है सो इज मोर पॉपुलर देन यहां पर मोस्ट की जगह पे आप क्या लगाने वाले हो ज मोर पॉपुलर और इसके साथ द भी गायब हो जाएगा क्योंकि द मोस्ट क्ली आया था तो द हिंदू इज मोर पॉप्युलर एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया इसमें दो तरीकों से सवाल पूछे जाते हैं मैंने अगला क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि एक चीजों की क्लैरिटी आपको हो जाए अब अगला सेंटेंस देखो आप इंडिया टुडे इज मोर पॉपुलर देन अदर मैगजीन इन इंडिया दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए यहां पर क्या प्रॉब्लम है इंडिया टूडे इज मोर पॉपुलर देन अदर मैगजीन इन इंडिया व्हाट डू यू से अब यहां पॉपुलर से पहले मोर तो लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए भी स्टूडेंट रटके जाते हैं ये सब रूल्स कि जब भी ऐसा है यहां एनी अदर लगा दो वो कई बार ये बात नहीं समझते कि कोई चीज क्यों करी जा रही है और अगर ये क्यों का जवाब आपके पास नहीं है ना तो पेपर में सेंटेंस को थोड़ा सा ट्वीट करके आपको फसाया जा सकता है तो इस बात को समझो अगेन आप कहानी वही है आप कहना चाहते हो कि इंडिया टुडे जो है वो मोस्ट पॉपुलर मैगजीन है लेकिन उस बात को कहने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री मोर लगाया है आपने दैन लगाया हुआ है तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्यों हमें वहां एनी लगाना पड़ रहा है एनी अदर मैगजीन राइट right. उसका कारण यह है कि आपको इंडिया टुडे जो है इसको बाकी मैगजीन से अलग करना पड़ेगा मान लीजिए एक सर्कल है उसी एक सर्कल में इंडिया टुडे भी है और आउटलुक uh, भी है फॉर दैट मैटर ठीक है आउटलुक भी है बिजनेस लाइन भी बहुत सारे हम ऐसे ऐसे बहुत सारे मैगजीन का नाम ले सकते हैं ठीक है और अब वो एक ही सर्कल में है लेकिन आपको क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि इंडिया टुडे सबसे ज्यादा पॉपुलर है यानी बाकी के एक तरफ है और इंडिया टुडे अलग है तो इंडिया टुडे को इस सर्कल से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको ये एनी अगर एनी मैगजीन वो कई बार ये काम करते हैं या तो एनी गायब कर देते हैं या अदर गायब कर देते हैं देन एनी मैगजीन लिख के चले आएंगे वो देन एनी मैगजीन तो वहां आपको अदर लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही आप एनी अदर करते हो एनी अदर करते ही ये इंडिया टुडे अब इस सर्कल से बाहर आ गया इंडिया टुडे बाहर आ गया ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी सर्कल और इसमें बाकी के जितने भी मैगजीन हैं ए बी सी डी वो एवर ये सब के सब इसमें आ जाएंगे तो अब हमारे पास जो है दो एंटिटीज़ हो गई और अब कंपैरिज़न पॉसिबल है तो क्योंकि हम कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं वी नीड टू एंटिटीज फॉर कंपैरिज़न एंड दैट इज वाई वी नीड टू यूज एनी अदर फ यू डोंट यूज दिस अदर थिंग और एनी अदर तो उसमें मतलब क्या निकल के आएगा कि वो एक ही सर्कल में और एक ही सर्कल में तो फिर सुपरलेटिव होता है जैसे पूरी क्लास में आप कहते हो कि यू नो दिस स्टूडेंट इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो वो तो पूरे में से फिर एक निकलेगा लेकिन कंपेरिजन के लिए हमें दो करना पड़ेगा तो आपको फिर क्या कहना पड़ेगा जैसे किसी का नाम ले लिया फॉर देट मैटर प्रियंक तो प्रियंक का नाम ले लिया कि प्रियंक इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास अब ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं हम ये भी कह सकते हैं प्रियांक इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे क्या कहा कि प्रियांक इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास अब इसी बात को द सेम आइडिया कैन बी प्रेजेंटेड इन थ्रू अदर सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल लाइक प्रियांक इज इज प्रियांक बेटर दैन एनी अदर स्टूडेंट एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास सेम आइडिया और एक और स्ट्रक्चर बता दूं जैसे मैंने आपको कहा कि तीन तरीकों से इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रियांक इज प्रियांक इज बेटर देन प्रियांक इज बेटर देन ऑल अदर ऑल अदर स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन आपको अब यह ध्यान में रखना है कि भाई जब भी आप एनी अदर का इस्तेमाल करते हो तो एनी अदर के साथ यू यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन लाइक हियर एनी अदर तो हमने स्टूडेंट का इस्तेमाल किया बट द मोमेंट यू यूज ऑल अदर इफ इन देंटेंस ऑल अदर इज गिवेन देन यू हैव टू गो विद्लूरल काउंटेबल नाउन एंड दैट इज वाई यहां ऑल अदर के साथ हम किसके साथ जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं तो पेपर में यही गेम वो खेलेंगे कई बार सेंटेंस के लेटर पार्ट में वो एरर दे देते हैं पार्ट में वहां वो लगाएंगे, को कर देंगे, लगाएंगे, बहुत प्यार से सुपरलेटिव का वर्ड दे देते हैं जैसे आपने देखा बेस्ट जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था दिस वन अब यहां पे बड़े प्यार से मोस्ट दे दिया या वो कह सकते हैं दिस इज बेस्ट न्यूज़पेपर तो ये सब बहुत चालाकी से किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट प्रेशर में है पेपर लिखने के उसको सेंटेंस में ये फीलिंग आ रही कि ये तो सुपरलेटिव वाली फीलिंग है उसको लगता है सेंटेंस तो ठीक ही है बट ऐसा नहीं है तो ये घंजक्कर आपके लिए पैदा किए जाते हैं इसको ध्यान में रखें अब यहां पर आपको बात समझ आ गई आइडिया इज सेम यू जस्ट वॉन्ट टू कन्वे द फैक्ट कि प्रियांक क्लास का सबसे बेहतर स्टूडेंट है लेकिन इसी आइडिया को हमने इन तीन अलग अलग स्ट्रक्चर से यहां पे प्रस्तुत किया है और इसमें वो झोल करके आपको परेशान कर सकते हैं ठीक है तो इस बात का ध्यान अगर यहां पे बहुत चालाकी से लिख दिया जाए प्रियांक इज द बेस्ट देन तो आपको ध्यान रहना चाहिए यार देन तो बेस्ट तो मैं लगा ही नहीं सकता चलिए जी ही हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट अचीव दिस रिजल्ट एंड ऑल ऑफ देम हैोर डेयरिंग यस अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्सट एंड टेल मी

तो v1 प्लस ing जो है यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ठीक है और वेरी यहां पे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री ये डिग्री को बढ़ा रहा है कि उसने बहुत सारे सारी कोशिशें करी इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए और उसकी सारी कोशिशें जो है वो बहुत बहादुरी पूर्ण रही हैं बट लेकिन ये वाला जो उसका अटेम्प्ट है बट दिस अटेम्प्ट ऑफ हिज इज अब यहां पे अगेन आप देखो उसकी बहुत सारी में से अब बात आप एक की कर रहे हो यानी बहुतों में से जब एक आएगा तो वो फिर सुपरलेटिव है यहां दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन नहीं है तो इधर आपको सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा इज द मोस्ट डियरिंग दैट वाज़ द करेक्शन रिक्वायर्ड एंड डेयरिंग इज अगेन एजेक्टिव आउट हियर गॉट इट समझ में आ गया वेरी गुड सुचित्रा एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे

तो प्लस का मतलब उसके बाद एनफ लगना है और एनफ अगर पहले लगा हुआ है तो उसके बाद नाउन आएगा जैसे कि हमने सबसे पहला वाला सेंटेंस ही किया था कि यू हैव एनफ 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 इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस सो इज इज नाउन एडजेक्टिव एंड इंटेलिजेंट ऐसे कोई भी पकड़ के आप कर सकते हो अब किसी इंसान की तारीफ करनी है आपको स्ट्रांग एनफ शी इज स्ट्रांग एनफ टू तो फेस एनी सिचुएशन बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल ही तो चेंज करनी है अब अगर मैं

सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफायर्स ओनली बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीखोगे अभी एडवर्ब आने दो वहाँ पे यू विल लर्न वट इज़ द मिसलेसड मॉडिफायर्स डेंगलिंग मॉडिफायर्स इंटरेस्टिंग वंस और बैंकिंग के हिसाब से मिसप्लेस मॉडिफायर बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिसप्लेस मॉडिफायर में आपको वर्ड भी मिल सकता है फ्रेजे भी मिलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है बैंकिंग के ग्रामर में तो फ्रेज का भी रिप्लेसमेंट होता है उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ होती है मिसप्लेसड होता है और कई बार क्लाजेस की भी प्लेसमेंट गड़बड़ होती है तो चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे ओनली नहीं सुचित्रा डेली क्लास नहीं चलती है इंग्लिश की क्लास जो है है याद रखिए मंडे वेन्सडे और फ्राइडे ठीक है मजा आया कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया अगर आता होगा तो रिवाइज हो गया नहीं आता होगा तो आपको पता लग गया ठीक है और बिल्कुल वो की भी बात करेंगे हम आगे अभी जैसे ग्रामर फाउंडेशन है थोड़ी ग्रामर की क्लासेस लो आप और जो आप बैच की डिटेल पूछ रहे थे यहां देखिए बैच की डिटेल है फोर्टीन फेब्ररी से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है ट्वेल्थ फेब्रवरी शाम सात बजे से ठीक है जो बैंकिंग के अंदर पांचों एरियाज पांचों एरियाज तो वैसे आपको मेंस में मिलते हैं लेकिन एक कंप्लीट बैच करियर वेल पे आ रहा है कि आप एक ही साथ पूरी तैयारी करें प्री अप टू मेंस लेवल का तो इसमें आपका जी जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग के साथ और ये पांचों एरियाज आपके पास अवेलेबल होंगे कितने में फोरटीन नाइन नाइन में जो शुरुआत में आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है वैसे फीस तो अब इतने सब्जेक्ट हैं टेक्नोलॉजी का इतना एक्सपेंस आता है वो फोर नाइन नाइन है वो वैसे ही घट के वन ट्रिपल नाइन हो जाता है यानी मैक्सिमम फ़ीस फिर भी आपकी टू थाउजेंड ही होती है लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट ले लेते हैं तो वन फोर नाइन नाइन में ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाता है और साथ ही साथ इस बार के बैच की खासियत यह है कि यहां पे आपको वीओडी भी मिलेगा लाइव प्लस वीओडी तो इस नई टीम के साथ जो पहला बैच आया था 15 अक्टूबर को जो कि दिसंबर लास्ट तक खत्म हो चुका था हमने दो बड़ी मेहनत करी थी उसमें एक एक सब्जेक्ट में दो दो क्लासेस क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे तो वो कंप्लीट कोर्स का वीओडी भी आपको मिल जाएगा यानी इन तीनों एरियाज के इंग्लिश रीजनिंग में इन सबके रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको उसी समय मिल जाएंगे जैसे ही आप बैच में एनरोल करेंगे तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो और वैसे हमारे पास वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अभी एग्जाम्स में हमारे पास टाइम है तो लाइव भी आपके पास होगा तो किसी के एग्जाम पहले आ जाते हैं तो वो वहां से भी वो रेफर कर सकता है तो जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप इसके लिए इसके बारे में बता सकते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्री अप प्री से लेकर के मेंस लेवल का इस प्राइस पॉइंट में आपके पास अवेलेबल है शिव यादव इज आस्किंग अबाउट ओनली इंग्लिश तो वो अब हमने अलग करना छोड़ दिया राइट वो इसीलिए हमने कर दिया फीस देखो इंग्लिश अलग आती थी आपको याद होगा ट्रिपल नाइन फीस हुआ करती थी इंग्लिश की मैथ्स की रीजनिंग की तो हमने इसीलिए फीस को बहुत कम कर दिया कि भाई किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो और फिर ये भी सवाल ना रहे कि मेरा ये वाला एरिया कमजोर है बिकॉज यहां पे एस से लेवल ऊपर पहुंच जाता है चाहे आप रीजनिंग की बात करिए मैथ्स की बात करिए तो हमें पूरा सीखना जरूरी है और तरीके से सीखना जरूरी है और आपके मन में भी पूरा संतोष रहे कि यार मैंने सारे एरियाज़ कवर कर रखे क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देता है कि आई हैव कम्प्लीट आई हैव कम्प्लीटेड द कंप्लीट कोर्स चले दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच कल मुलाकात करते हैं आशीष सर के साथ आप रोज सुबह दस बजे मिल रहे हैं आ, अनुकूल सर के साथ भी आपकी मुलाकात होगी कल चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे थैंक यू